हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो मैं तो घर आ चुका था, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, और थोड़ा मोड़ा यहीं आसपास घूमा। ठंड ज़्यादा हो रही है तो अभी, वैसे आज मैं बैठा था नॉर्मली ऐसे ही, और मेरे पास भैया का कॉल आता है कि देवू तू दिल्ली आ जा। तो मैंने कहा क्यों आ जाऊँ, तो उन्होंने कहा बस आ जा तू, बाकी मैं देखता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। तो जल्दी जल्दी बैग पैक किया और टिकट बुक की बस की, तो जा रहे हैं दिल्ली। फिर वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि हम लोग एक्चुअल जगह जा कहाँ रहे हैं। वैसे आप लोग दिल्ली का नाम सुन के जो सोशल मीडिया पे अपडेट रहते हैं, उन लोगों को तो पता चल गया होगा कि दिल्ली में चल क्या रहा है आज इस टाइम पर। एक्चुअल और बता देता हूँ आप लोगों को, दिल्ली में ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं हम लोग, तो वहाँ से आप लोग समझ ही गए होंगे। चलो चलते हैं। वैसे नाइट की ट्रिप रहेगी तो इतना ज़्यादा कुछ ऐसा रहेगा नहीं, बट चलते हैं। कल की जो अपना मतलब कल का जो डे रहने वाला है वो फुल फन वाला रहने वाला है, और आप लोगों को भी कुछ सीखने मिलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल पे बने रहिए और ब्लॉग देखते रहिए। भाई अपनी यहाँ बस लगती है, उसके ऑफिस तो आ चुके हैं, बट ये वाली जो बस लगी है इसके बाद अपनी बस लगेगी। ये स्टैंड के अंदर नहीं लगती, बाहर ही लगती, छोटी सी गली में। तो बस वेट करते हैं बस लगने का। तो अपनी बस आ चुकी है और अब बस ये लगेगी और अपन भी अंदर बैठते हैं सर। चलो चलते हैं, अपनी सीट ग्रहण करते हैं। बस का अंदर का नज़ारा देखते हैं, बाहर से तो अच्छी लग रही। खैर अरे भाई लोवर वाली है। तो भाई अपने को लोवर सीट मिली थी, तो लोवर ही कर ली यार। सही है, ये अपने शूज रख दिए, ये अपना छोटू सा बैग रहा, और ये एसी, चलो सही है। और ये अपना सॉकेट हो गया, ये चार्जिंग पोर्ट, ये मोबाइल होल्डर, और ये रहा अपना शीशा जिससे अपन को बाहर के नज़ारे देखना पड़ते हैं। और ये क्यों भाई आंख मार रही है जब से, एक ये भी रहा वेंट, ये देखो आंख मार रही है जब से। तो चलो भाई निकल दिए। बोलो बालाजी सरकार की जय। भाई नाइट की जर्नी है तो ऐसा तो कुछ दिखाने लायक व्यू भी नहीं रहेगा जितना होगा। अब स्टॉप शायद मैंने भैया से पूछा था, तो स्टॉप भैया बोल रहे थे कि झांसी नहीं, झांसी का ग्वालियर के पहले शायद एक जगह रुकती है बस खाने पीने के लिए, तो वहाँ तर के देखते हैं। और अभी तो बैठेंगे, करेंगे क्या सकते हैं, और बैठ ही सकते हैं तो बैठेंगे बढ़िया। और क्या क्या बस छतरपुर निकल ही गए अपन ऑलमोस्ट। ये रहा अपना भाई स्कूल, अपनी जन्नत क्रिश्चियन इंग्लिश कॉलेज। भाई यहाँ बहुत मस्ती की, पूरा जीवन मज़ा आ जाता है इधर का सोच के यार। चलो तो निकल ही गए। तो भाई नौगांव आ चुके हैं अपन लोग। हाँ कहाँ नौगांव आ गए। हाँ टाइम हो चुका है 7:12। चलो देखते हैं मॉर्निंग टाइम। भैया ने बोला है कि 5 बजे तक मतलब नोएडा पहुंच जाती, बट फॉग रहा तो थोड़ा मोड़ा डिले हो सकता, बट देखते हैं कितने बजे तक पहुंचती। क्या नौगांव में मेला लगा गया यार। हाँ यार लग तो ऐसे ही किस रहा। हाँ भाई नौगांव में तो मेला लगा हुआ है, नौगांव वासियों मेला झूल रहे हो, वो मेला घूम रहे हो, झूला झूल रहे हो। मैंने मेले ही घुमा दिया साला। यहाँ का भी काफी बड़ा मेला लगता है यार। वैसे अभी तो क्या है यार, रौनक नहीं है। वो झूला बंद है, वो भी झूला बंद है, ये भी झूला बंद है। अच्छा अभी स्टार्ट हुआ लगना।
कांच गंदा है यार थोड़ा सा, तो क्लियरिटी कम आ रही। ये रहा गए, एक चल रहा है, एक चल रहा है जुला, भीड़ कम है। वैसे अभी स्टार्ट हुआ शायद तक। भाई नौगांव में भी ट्रेंड्स आ गया, छतरपुर में तो आ ही आया, नौगांव में भी आ गया ट्रेंड तो यार। चलो कोई नहीं, ये लोग भी अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं अब तो, मतलब छोटी छोटी सिटी में भी, नौगांव भी मतलब ठीक ठाक छोटा टाउन है, बट ट्रेंड आ गया यार इधर भी। चलो बढ़िया है, क्या है नौगांव के लोग भी बढ़िया, ट्रेंड से शॉपिंग करो खूब और कूपन भी लो। कर भी नहीं सकते यार, बैठे हैं। ये भैया आए थे तो ये पानी दिए गए बॉटल, सुप्रीम जल, पता नहीं कौन सी ब्रांड का पानी है भाई। मैं तो अपना कैरी करके रख चल रहा हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगती है गले में। चलो बैठे बैठे टाइम पास ही कर सकते हैं, मोबाइल चला ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते बस। भाई कितना कांच गंदा है यार, प्लेस में तो और ज़्यादा दिख रहा। भाई ये दूसरा टोल है, मतलब धर्मकांटा टाइप का, इधर की ये मतलब इनके क्वार्टर हैं जो घर हैं रहने वगैरह के रेंट के लिए। कैसी लग रही है डरावने से बिल्कुल वो वाला देख रही। ये देखो ये तो बियर हाउस टाइप का है, ऐसे ही लग रही बिल्डिंग जैसे बहुत पुरानी हो, डरावनी सी। पता नहीं कहाँ आ गए हैं बट रोड सच्चे, जब से ये फोर लाइन चालू हो गई ना तो काफ़ी सहूलियत हो गई और रोड भी काफ़ी सही है, अच्छी है। और ये अपना रूट जाता है झांसी ग्वालियर धौलपुर होते हुए। ब्लॉगिंग चालू कर ली होती ना तो बहुत लंबी ट्रिप लगी थी हम लोगों की भाई, मथुरा आगरा मेहंदीपुर पूरा मथुरा एक्सप्लोर करके आए थे, गोकुल नंदगांव एवरीथिंग जो उधर की हर चीज़ मतलब एक्सप्लोर करके आए थे जब, लेकिन मैंने ब्लॉगिंग चालू नहीं की थी यार। चलो अब होता है कभी गाना जो लाते तो अपनी दोबारा से ट्रिप लगती है, चल जाएंगे आपको घुमाएंगे। तो भाई ये पहुँचते पहुँचते अपन लोग झांसी पहुँच चुके हैं, झांसी ऑलमोस्ट पहुँचने वाले, ये ओरछा रामराजा सरकार जस्ट पहुँच नहीं क्रॉस हो गए मे बी। ये वाला ब्रिज है जो, ये अपन लोगों को चढ़ना नहीं है, मतलब हाँ चढ़ना नहीं है, नीचे से उतर के चलना, तो अपन लोग नीचे से उतर के ही जा रहे हैं। और आगे एक लेफ्ट टर्न आएगा वहाँ से सीधे अंदर चले जाओ तो और छो। भाई ये काई की लाइट है, इवेंट वगैरह चल रहा होगा आगे काफ़ी सारे वो हैं ओरछा में, तो आपको पता है डेस्टिनेशन मैरिज वगैरह भी फेमस है काफ़ी। यहाँ रामराजा सरकार का गेट, ये आगे से मुड़ना है इधर से बस, पूरा गेट पुलिस अंकल खड़े हैं, बोलो राम राजा सरकार की जय। ये होटल भाई, ये सब गाड़ी ओरछा जा रही है भाई। अब ये झांसी से कौन सा रूट लेती, मे बी बाईपास ही लेगी। ये भाई स्पेस मून सिटी कॉलोनी है, बहुत प्यारी है यार, अपार्टमेंट इसके बहुत प्यारे प्यारे हैं, देखो आप बिल्डिंग भी बहुत प्यारी। चलो यार झांसी आ गए, नगर निगम झांसी। चलो माने खाना रखा था वो भी खाते हैं, टाइम भी अपना 9 बज गया, ये लाइट ऑन हो नहीं रही, इन्होंने पावर कट कर दिया होगा आगे से। चलो भाई बोलते हैं भैया से भी, क्या था भैया ने ये नीचे वाली लाइट ऑन कर दी,
ये पूरा मैसी मैसी सा करके रखा मैंने, कोई बात नहीं, चलो खाना खाते हैं। और ये सब तो ले के चलते हैं, चलो खोलते हैं, खाते हैं जल्दी से। भाई अपना बढ़िया खाना चल रहा, और झांसी सिटी के अंदर से ही जा रही बस, तो भाई झांसी के मेन स्टैंड आ चुके हैं, बाहर ही खड़ी बस तो। और ये मुरैना की गजक खा लो आप लोग, ना खाना हो चुका, अभी शायद तक बस फ्यूल स्टेशन पर रुकी। भाई 11 बजे और फॉग देखो अब जमना स्टार्ट हो गया, 4 बज गया यार, कहाँ गए पता नहीं अभी। तो भाई ग्रेटर नोएडा का टोल आ गया है, चुका है वेलकम टू दिल्ली। चलो भैया से पूछते हैं कि वैसे अपने पॉइंट जहाँ अपन को जाना है उधर से 22-25 किलोमीटर समथिंग बचा है बस। पारी चौक उधर से आएंगे हम लोग, पारी चौक, और पारी चौक से फिर बस बाजू में ही है थोड़ा सा, पारी चौक से 2 किलोमीटर समथिंग, तो उधर से थोड़ा ऑटो कर लेंगे बस। अपन को डेल्टा वन जाना है मेट्रो स्टेशन। तो आ गए अपन लोग फ्लैट, अब चलो थोड़ा सा आराम करते हैं, इस ब्लॉग को करते हैं एंड, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।